वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर हम लिमिट ऑफ एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होती है। तो हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है, सपोज दिस इज अ फंक्शन एफ एक्स, जिसका ग्राफ हमने ट्रेस किया, और उसकी कोई भी डोमेन हो सकती है हमारे पास। और लिमिट का मीनिंग क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, एफ एक्स इज इक्वल टू वेलकम। जब x a को अप्रोच कर रहा है, x a को टेंड कर रहा है, fx की जो वैल्यू है वो l को टेंड कर रही है। तो उसका मीनिंग फॉर्मल भाषा में कि जब x a को टेंड कर रहा है, व्हेन एवर x टेंड्स टू a, देन इट्स इमेज अंडर f टेंड्स टू l, कि उसकी इमेज जो है वो l को टेंड कर रही है। तो अगर हम देखें तो पहला तो ये जो a पॉइंट है हमारे पास, जरूरी नहीं है कि मेरा डोमेन का पार्ट हो, ए नीड नॉट बी पार्ट ऑफ द डोमेन। क्यों, हमारे पास डोमेन के अंदर है पॉइंट, कि फंक्शन हमारे पास डोमेन से लेके किसी भी हमारे पास कोडोमेन तक हो सकता है। तो हमारे पास लिमिट की जो डेफिनेशन है, ये जो ए पॉइंट है हमारे पास, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि ए पॉइंट है, फंक्शन डिफाइन ना हो इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन इसके नेबरिंग में जरूर डिफाइन होना चाहिए। एक्स ए को टेंड कर रहा है, अब हमारे पास एक्स ए को टेंड करने के दो तरीके, या तो x लेफ्ट साइड से एक अप्रोच करेगा या फिर x राइट साइड से एक अप्रोच करेगा। इट मीन्स जब जब यानी कि यहाँ पर है तुम्हारे पास, सपोज दिस इज पॉइंट वन, तो यहाँ पर मैं 0.9 हो सकती है मेरे पास अप्रोचिंग वैल्यू, एंड दिस इज 1.1 अप्रोचिंग वैल्यू। तो हमारे पास कि अगर कोई भी पॉइंट x एक अप्रोच कर रहा है इधर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड, इट्स इमेज। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, कि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर डिफाइन ही ना हो, एक पॉइंट हो ही नहीं सकता, जरूरी नहीं कि हमारे पास फंक्शन की हमारे पास ब्रेक आ रही फंक्शन के अंदर इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जैसे एक्स जब भी ए को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू एल को अप्रोच कर रही है। तो इट मीन्स अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो उसकी इमेज ये बनेगी मेरे पास इस ग्राफ के अंदर से। अगर हम देखें तो एफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, एल को। यहां से अगर हम राइट साइड से देखें कि अगर एक्स ए को अप्रोच कर रहा है इधर से, उसकी जो इमेज बनी एफ एक्स को किसको अप्रोच कर रही है, एल को। तो हमारे पास चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, कि जब जब एक्स ए को अप्रोच करेगा तब तब उसकी जो इमेज है लेफ्ट शुड अप्रोच टू एल। तो हमारे पास ये मीनिंग हमारा। तो हमारे पास डेफिनेशन को हम एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन से देने जा रहे हैं, कि लिमिट का एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू। सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना कि ए मे नॉट बी द पार्ट ऑफ द डोमेन। ये जरूरी नहीं कि फंक्शन हमारे पास डिफाइन भी हो ए पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ ब्रेक भी आ सकते हैं मेरे पास फंक्शन की। तो लेकिन हमारे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन एल को अप्रोच कर रही है जब हम एक्स लेफ्ट से ए साइड से अप्रोच कर रहे हैं और ए के राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं हम ए को। तो हमारे पास डेफिनेशन लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो हमने क्या किया, एक एप्सिलॉन हमने अपनी तरफ से चूज किया, एक अपनी तरफ से एप्सिलॉन चूज किया, एंड देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट व्हेनेवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, व्हेनेवर एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, तब तक उसकी इमेज जो होगी वो बिलोंग करेगी एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। तो क्या मीनिंग है इसका, कि ये मेरा पॉइंट ए था और ये मेरा एल है। सपोज हमने नहीं माना है कि एक्स अगर ए को अप्रोच कर रहे हैं तो उसकी जो इमेज है वो एल का अप्रोच कर रही है। तो अब हमने एल का एक नेबरहुड उठा लिया। नेबरहुड का मतलब एल के नेबरिंग के पॉइंट एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मे बी वेरी वेरी स्मॉल। तो हमारे पास दिस इज द इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन टू एल प्लस एप्सिलॉन, कि हमने एल के नेबरिंग वाला हिस्सा उठाया कि एल के नेबरिंग में हमारे पास किन किन पॉइंट्स की इमेजेस हैं। तो हमारे पास L के नेबरिंग में, ये L की नेबरिंग है हमारे पास L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन, दिस इज इस नेबरिंग में किन पॉइंट्स की इमेजेस आ रही है। वो पॉइंट्स की इमेजेस होंगी कि जब जब हमारे पास कोई भी एप्सिलॉन चूज करोगे एक डेल्टा जरूर मिलेगा, एक डेल्टा जरूर मिलेगा, कि जब जब x a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में होगा तब तब उसकी इमेज किस में होगी, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन। कि हमने एप्सिलॉन चूज किया, एल का नेबरहुड चूज किया, तो हमें ए का नेबरहुड मिलेगा, डेल्टा मिलने का मतलब ए का नेबरहुड मिलेगा, दिस इज ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा। कि जब जब हम एल का नेबरहुड चूज करेंगे तब तक हमें ए का नेबरहुड जरूर मिलेगा। फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, कि जब कोई भी हमारे पास एल का नेबरहुड उठाओगे देन देयर मस्ट एग्जिस्ट
नेबरहुड ऑफ ए। किस तरह का नेबरहुड ऑफ ए, कि जब जब एक्स इस नेबरहुड में बिलोंग करेगा, एक ही नेबरहुड में। अब एक नेबरहुड में तो ए के आसपास के ही पॉइंट है, कि जब जब एक्स ए के आसपास है तब तक उसकी जो इमेज है, तब तक उसकी जो इमेज है वो एल के आसपास है। इट मीन्स जब जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है उसकी इमेज किसको अप्रोच कर रही है, एल को अप्रोच कर रही है। तो इट मीन्स हमारे पास ये सारी डेफिनेशन कि हम एक इंटरवल एल का नेबरहुड उठाएंगे, वी चूज नेबरहुड ऑफ एल देर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ एम बी डी से रिप्रेजेंट हम नेबरहुड के शॉर्ट फॉर्म एम नेबरहुड ऑफ ए। कि जब जब हम एक नेबरहुड ऑफ एल उठाएंगे देर आर कॉरेस्पॉन्डिंग नेबरहुड ऑफ ए। ये नेबरहुड जो ए का आएगा वो डिपेंड करेगा एल के नेबरहुड पर। कि हमारे पास जब मैंने इतनी लेंथ चाइल्ड लेंथ का ये उठाया तो मेरे पास डेल्टा ही आया। अगर मैं इस इंटरवेल को छोटा कर दूं, ये नेबरहुड छोटा कर दूं सपोज ये के लिए, तो इट मीन्स हमारे पास जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज आएगी अब, तो मेरा जो ए का नेबरहुड है वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा ए का नेबरहुड भी चेंज। कि जब जब मेरा एल का नेबरहुड चेंज करोगे मेरा ए का नेबरहुड भी चेंज हो जाएगा। तो लेकिन मिलेगा जरूर, फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ एल वी चूज नेबरहुड ऑफ एल, फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ एल दे एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ ए सच दैट इमेजेस ऑफ एवरी एलिमेंट इन नेबरहुड ऑफ ए, नेबरहुड ऑफ ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी इमेजेस किसके अंदर बिलोंग करेंगी, बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ ए। कि जो हमने एल का नेबरहुड चूज किया, कि हमने एल का नेबरहुड चूज करना है, हमें ए का नेबरहुड निकालना है, और ये प्रूव करना है कि जब जब कौन सा नेबरहुड निकालना है ए का, कि उस नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी इमेजेस क्या होंगी, एल के नेबरहुड में। इस नेबरहुड में हमारे पास कौन से पॉइंट हैं जो ए को अप्रोच करते हुए, इट मीन्स व्हेनेवर एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स अप्रोचेस टू एल, इसमें एल के आसपास के पॉइंट है, इसमें ए के आसपास के पॉइंट है। तो जब जब एक्स ए को अप्रोच करता एफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, मेरा एल को अप्रोच करेगा। दिस इज द डेफिनेशन हमारे पास नेबरहुड और लिमिट पॉइंट की और लिमिट की डेफिनेशन। अब हमारी इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम क्लियरली लिखते हैं कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कि कुछ भी हमने चूज कर लिया इट मीन्स एल का नेबरहुड चूज किया, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट व्हेनेवर एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, देन जो उसकी इमेज है किसमें बिलोंग कर रही है, ए एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। अब इस डेफिनेशन को कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए इज इक्वल टू एल मीन्स फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा। तो हमारे पास कि जब जब एक्स ए को बिलोंग करेगा, एक्स अगर ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में, इट मीन्स एक्स किसके बीच में, प्लस डेल्टा से छोटा, ए माइनस डेल्टा से बड़ा, तीनों साइड अगर हम ए ए सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा मेरा। अब कोई भी नंबर मान लो सपोज माइनस पांच और पांच के बीच में लाइक कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्स इज लेस देन फाइव। तो अब यहाँ पर सेम एक्स माइनस ए इज लाइन बिटवीन माइनस डेल्टा टू, इट मीन्स एक्स इज, जब एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है इसका मतलब कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। या फिर उल्टा भी देख सकते हो कि जब जब हम ये लाइन लिखते हैं कि एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, एट मीन्स एक्स बिलोंग कर रहा है मेरा ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। सेम अब यहाँ पर कि जब जब फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो मेरा एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट व्हेनेवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, तब तब एफ एक्स इस पॉइंट की इमेज। अब इसको भी इसी मॉडुलस के फॉर्म पे लिखेंगे, एफ एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है, एल प्लस एप्सिलॉन हो एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में, तीनों साइड अगर मैं एल एल सब्ट्रैक्ट कर दू तो ये बचेगा। इट मीन्स लिमिट की डेफिनेशन, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर मस्ट एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट व्हेनेवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा
एफ एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन अभी मैंने इस डेफिनेशन में कहा कि मेरा जो डोमेन का पॉइंट है ए, जरूरी नहीं कि वो डोमेन के अंदर, कि क्या पता अब इस इंटरवेल के अंदर तो मेरा ए भी आ चुका है, क्योंकि ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के अंदर तो मेरा ए भी है। कि जब जब एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए के बराबर भी हो चुकी है। लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास लिमिट के डेफिनेशन में ए जरूरी नहीं कि मेरा डोमेन का पॉइंट है, तो फंक्शन डिफाइन ही ना हो। एक्स तो ए के बराबर है लेकिन एफ एक्स डिफाइन ही नहीं है ए के ऊपर, एफ ए इज नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास इस इंटरवेल को हम थोड़ा सा करेंगे, व्हेनेवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू एक्स, को ए को हटा देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास लेफ्ट साइड से राइट साइड से पॉइंट देखिए, एक्स नीड नॉट बी इक्वल टू, तब तो एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन। तो हमारे डेफिनेशन को हमने थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पर भी, वन इसमें से ए को एक्सक्लूड, ए पॉइंट मेरा एक्सक्लूड हो चुका है। तो अब ए पॉइंट को एक्सक्लूड करना है हमें, तो व्हेनेवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, एक्स इज नॉट इक्वल टू। अब इस लाइन को क्या लिखा जा सकता है कि एक्स माइनस ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा, एक्स माइनस ए की वैल्यू मॉडुलस है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन इक्वल टू जीरो कब होगी, जब एक्स इक्वल टू ए होगा। इट मीन्स यहां मैं स्ट्रिक्टली अगर निशान डालू एक्स माइनस ए स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्ट लेस देन डेल्टा, तो मुझे एक्स इक्वल टू ए डालने की जरूरत नहीं। एक्स इक्वल टू ए तब होगा जब मेरा मॉडुलस इक्वल टू जीरो, मैंने इक्वल टू जीरो की कंडीशन हटा दी और सिंपल लिखा कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स ए को हमने एक्सक्लूड कर दिया और दैट इज लेस देन डेल्टा, तब तक उसकी जो इमेज है हमारे पास लेस देन आ। तो ये मेरी डेफिनेशन। अब हम मेडिकल्स के ऊपर आ रहे हैं, क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं इस तरह से। तो पहला फंक्शन लिया दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन एंड एक्स माइनस वन, प्रूफ दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स इज टू, ये हमने प्रूफ। अब एक्स की वैल्यू वन के ऊपर ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें वन डायरेक्ट पुट करूं तो वन स्क्वेयर माइनस वन इट इज जीरो, वन माइनस वन दैट इज जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, तो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हमारे पास वन के ऊपर फंक्शन मे नॉट बी डिफाइंड, तो हमारे पास इस तरह से, तो हमने अप्रूव करना है एफ एक्स इज इक्वल टू। तो हमारे पास हम एप्सिलॉन चूज करेंगे, हमारा जो मेथड रहेगा लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, वी शुड फाइंड ए डेल्टा सच दैट व्हेनेवर एक्स माइनस वन, ए का काम मेरा वन कर रहा है, एल का काम मेरा टू कर रहा है, व्हेनेवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, उसकी जो इमेज होगी जब किसी भी पॉइंट की अगर मॉडुलस ए वन से कम लेस देन डेल्टा है, तब तक उसकी इमेज एक्स की इमेज किससे एल से लेस देन एप्सिलॉन, एल का काम मेरा कर रहा है दो, इसीलिए तो हमने एक डेल्टा फाइंड आउट करा, एल का नेबरहुड चूज किया हमने और ए का नेबरहुड हम फाइंड आउट करें। तो अब यहां से हम इसी को ही लेके चल रहे हैं, कंसिडर हमारे पास जो वर्किंग रूल रहेगा, हम एफ एक्स माइनस एल को लेके चला गए और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, एफ एक्स माइनस ए, एफ एक्स है मेरा एक्स स्क्वेयर माइनस ए वन एक्स माइनस वन माइनस वन, दैट फर्दर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर माइनस वन की फैक्टर करके बैठे, दिस इज एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स प्लस वन माइनस वन, ये बचा, दिस इज फर्दर इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो हमने एफ एक्स माइनस एल को लेके चलना और तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक मुझे ये फैक्टर आता हुआ ना दिखे, उसको हमने एफ एक्स माइनस एल को तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक मुझे एक्स माइनस ए आता हुआ ना दिखे। एक्स माइनस ए समथिंग कॉन्स्टेंट भी दिख सकता है, बट एक्स माइनस ए शुड बी देयर और नथिंग, और कोई टर्म एक्स की नहीं होनी चाहिए। तो हमें बाकी जो भी टर्म्स हैं एक्स की आग्रह आ रही है तो हम उनके सिंप्लीफाई करेंगे। अब तुम्हारे पास एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू आ गई, ये जो चीजें कर, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस, देयरफॉर दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर दिस क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि दोनों बराबर है। इट मीन्स एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस वन इज लेस देन एप्सिलॉन, तो डेल्टा का काम भी एप्सिलॉन कर लिया।
कि जब तक मेरा, मैंने कहा था डेल्टा जो होगा वो डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू एप्सिलॉन आ गई कि जब जब मेरा एक्स माइनस वन लेस देन एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा होगा तब तब मेरा एफ एक्स माइनस एल जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन। दिस इज द हमारे पास डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स क्यूब माइनस वन एक्स माइनस वन दैट इज थ्री बाई। तो ये मुझे निकालना, तो मेरा एफ एक्स का काम ये क्वांटिटी कर रही है, एल का काम मेरा ये कर रहा है, एक्स टेंड्स टू ए का काम मेरा ये कर रहा है। तो हमने क्या करना होता है, एप्सिलॉन हम चूज करेंगे, डेल्टा हम फाइंड आउट करेंगे। वी शैल फाइंड ए डेल्टा सच दैट वेन एवर एक्स माइनस वन इज लेस देन डेल्टा देन इट्स इमेज एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। कंसिडर एफ एक्स माइनस एल, हमने शुरुआत यहीं से ही कर दी हर क्वेश्चन की, एफ एक्स माइनस एल से। एफ एक्स है मेरा एक्स क्यूब माइनस वन एक्स माइनस एल माइनस का है। दिस इज एक्चुअली स्टेटमेंट में दे रहा, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर। जब जब एक्स माइनस वन लेस देन डेल्टा होगा तब तक एफ एक्स माइनस एल जो होगा लेस देन डेल्टा। दिस इज यहां से क्या मिला मुझे, इसके मैं फैक्टर बना दू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स क्यूब माइनस वन के फैक्टर, नीचे वाले फैक्टर बन गए मेरे। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम, दिस इज वन एक्स माइनस वन का फैक्टर खत्म। एलसीएम आ गया मेरा टू टाइम्स एक्स प्लस वन माइनस का थ्री इंटू कैंसिल करने के बाद एलसीएम क्या, तो ये क्या बचा मेरा, दिस इज फर्दर इक्वल टू टू एक्स स्क्वेयर प्लस का टू एक्स माइनस का थ्री एक्स माइनस का एक्स प्लस का टू माइनस का थ्री दिस इज माइनस। ये क्वांटिटी आ गई मेरे पास, इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास, दिस इज इक्वल टू इसके फैक्टर बने मेरे पास एक्स माइनस टू एक्स प्लस का वन हो जाएगा और एक्स माइनस वन हो जाएगा, ये फैक्टर बनेंगे मेरे पास। नीचे आ गया मेरे पास टू टाइम्स एक्स प्लस दिस इज फर्दर। हमने क्या, मैंने अभी क्या कहा, मुझे जो सारा कंप्लीट आंसर चाहिए वो एक्स माइनस वन में चाहिए, बाकी कुछ कॉन्स्टेंट बच सकते। तो दिट मीन्स मैं एक्स माइनस वन वाला फैक्टर को अलग करूं, मॉडुलस में मल्टीप्लीकेशन अलग हो जाएगी, बाकी जो बचा हुई है 2x प्लस वन नीचे आया 2x प्लस टू। अब ये जो चीज है मुझे इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इस तरह से ये कॉन्स्टेंट बन जाए, वो तुम्हारे ऊपर है तुम किस तरह से करना चाहोगी। मुझे यहां ध्यान दिख रहा है कि 2x प्लस वन जो है मेरे पास 2x प्लस टू से हमेशा x मेरा कुछ भी हो 2x प्लस वन इज ऑलवेज लेस देन 2x मॉडुलस के साथ। इट मीन्स ये जो क्वांटिटी आएगी डिविजन के बाद That is always less than one. तो मुझे कॉन्स्टेंट लेके आना है यहाँ पर, वो भी बच्चे को। तो मैंने इस क्वांटिटी को लिखा दिस इज लेस देन एक्स माइनस वन, दिस क्वांटिटी इज लेस देन वन। तो ये क्वांटिटी ऐसी चीज है बट दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन वन। तो मेरे पास आ गया एफ एक्स माइनस एल को लेके चले थे और वो मेरे पास आ गया किसके बराबर, दिस इज लेस देन एक्स माइनस। इट मीन्स क्या मिला, देयरफोर अब हम लिखेंगे जो हमें चाहिए एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस वन इज लेस देन एप्सिलॉन। जब ये नंबर लेस देन एप्सिलॉन है, ए बी से छोटा, बी फिर सी से छोटा, तो ए सी से छोटा हो जाएगा। तो ए सी से छोटा तब है जब मेरा बी सी से छोटा, दिस इज ए बी और मेरा एप्सिलॉन सी मान लो, तो अगर मेरा बी सी से छोटा है तो अपने आप ही ए सी से छोटा हो जाएगा। इट मीन्स डेल्टा का काम फिर से किसने किया, मैंने एप्सिलॉन ने किया, तो मेरा डेल्टा जो होगा वो एप्सिलॉन के बराबर। तो हमें डेल्टा फाइंड आउट करना था जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई। नेक्स्ट स्टेप आ रही हो इसी तरह का फर्दर क्वेश्चन, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कॉस एक्स इज कॉस। तो एफ एक्स का काम मेरा ये कर रहा है, एल का काम मेरा ये कर रहा है, फिर से लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन। We shall find a
एंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल उसी तरह से हम लिखेंगे वी शैल फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट व्हेनेवर x माइनस a इज लेस देन डेल्टा तब तक इस x की इमेज एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन। कंसिडर हम शुरुआत से एफ एक्स माइनस एल से करेंगे, एफ एक्स है मेरा cos x माइनस और एल का नंबर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला टू, साइन के दोनों टर्म साइन c प्लस d बाय टू साइन d माइनस c बाय टू, मॉडुलस एस साइन a माइनस x इज इक्वल टू माइनस ओ साइन x माइनस, मॉडुलस में लिखूंगी तो मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू टाइम्स साइन x प्लस a बाय टू साइन x माइनस a बाय टू का मॉडुलस है, मल्टीप्लीकेशन में मॉडुलस मेरे अलग अलग। अब हमारे पास साइन थीटा का मोड हमेशा लेस देन वन, थीटा मेरा कुछ भी तो ये क्वांटिटी मेरी लेस देन वन, अब जब एक्स ए को अप्रोच कर रहा है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए दैट मीन्स एक्स माइनस ए अप्रोचेस टू जीरो, दिस इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, that means x minus a by 2 approaches to 0, that means sin of theta jab small ho, whenever theta is small to sin theta modulus saath mein it is always less than equal when theta is small, jab mera x approach kar raha hai a ko tab mera obviously x minus a 0 ko approach kar raha hai, that means x minus a by 2 0 ko approach kar raha hai, that means a quantity very very small approaching to 0, तो जब जब थीटा स्मॉल होता है तो मेरी डेफिनेशन सेटिस्फाइड होती है, इट मीन्स क्या आ जाएगा मेरा दिस इज फॉर जब लेस देन इक्वल टू टू टाइम्स थीटा का काम रहेगा, टू से टू करो दिस इज अगेन एक्स माइनस, इट मीन्स एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू बच मेरी यहाँ बीच में लेस, ये बीच में लेस का निशान करो तो ऊपर लेस ही आ जाएगा एक्स वन, इट मीन्स फिर से वही कि ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन पर होगी जब मेरी ये लेस देन एप्सिलॉन, डेल्टा का काम लिया किसने लिया अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे कोइंसिडेंटली मेरा डेल्टा साइलेंट के नाम पर आ रहा है वो हम कोई और एग्जांपल लिख सकते हैं तो मेरा डेल्टा साइलेंट के ऊपर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वेयर साइन वन बाय एक्स इज, और ये आप ध्यान भी रखना मैं इस तरह के दो तीन क्वेश्चन आप करूंगी, एक्स स्क्वेयर साइन वन बाय एक्स टेंड्स टू जीरो एज एक्स टेंड्स टू, एक करेंगे हम एक्स इन टू साइन वन बाय एक्स टेंड्स टू और एक करेंगे साइन वन बाय एक्स, यहाँ एक्स क्यूब भी लगा सकते हो, अब हम देखेंगे इस तरह की साइन वन बाय एक्स को जब मैं एक्स की पावर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरी लिमिट क्या आ रही है, तो फिलहाल मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में आ रही मैं एक्स स्क्वेयर साइन वन बाय एक्स को जीरो अप्रोच करेंगे, डेल्टा साइन ग्रेटर देन जीरो की गिवन फिर से उसी तरह से लिखोगे वी शैल फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, तो कंसिडर करने जा रहे हैं एफ एक्स माइनस एल, दिस इज एफ एक्स माइनस और ये मेरा एल और ये मेरा एक्स टेंड्स टू ए का काम मेरा जीरो पर, तो हमने शुरुआत करनी है एफ एक्स माइनस एल से और तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक मेरा एक्स माइनस जीरो आता हो, दिस इज एक्स स्क्वेयर साइन वन बाय एक्स, मॉडुलस में मैं अलग अलग कर सकती हूँ मल्टीप्लीकेशन अलग अलग, साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन वन इसको यूज करके यहां से जाऊंगी दट इज एक्स स्क्वेयर दट मीन्स हमारी एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू आ गई किसके बराबर और लेस देन था दिस इज क्वांटिटी लेस देन तो यहां लेस दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस जीरो का स्क्वेयर, मैंने कहा था एक्स माइनस जीरो देखना चाहिए वो मेरा देख गया, दिस क्वांटिटी इज लेस देन अपसाइड अब हम लेंगे देयर फोर एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस जीरो का स्क्वेयर इज लेस देन, इट मीन्स व्हेनेवर एक्स माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वेयर, कि जब जब एक्स माइनस ए इस नंबर से कम होगा डेल्टा का काम मेरा इसमें कम होगा स्क्वेयर रूट एप्सिलॉन,
कि जब जब मेरा डेल्टा स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वेयर रूट ऑफ टाइगन से कम है तब तब एफ एक्स माइनस एल जो होगा वो एप्साइलन। तो यहाँ मेरा डेल्टा जो है वो स्क्वेयर रूट ऑफ एप्साइलन। तो यहाँ से क्लियरली बिल्कुल तुम आराम ध्यान से देख सकते हो कि मेरा तो हमने वहां तब तक सिंप्लीफाई किया जब तक मुझे x माइनस जीरो और सब कॉन्स्टेंट यहाँ कुछ भी क्वांटिटी रख सकते तो हमारे पास मना हुई थी। तो हमने तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक मुझे x माइनस ए आपका हो। अब यहाँ पर मेरा यहाँ x होता तो ये आप क्या चेंज होता है x साइन वन बाय एक्स एक्स साइन वन बाय एक्स एक्स यहाँ मॉडुलस ऑफ x ही बचता इट मीन्स मॉडुलस ऑफ x इज दो यहाँ अंडर रूट पर जाने की जरूरत नहीं थी मेरे पास सिंपल क्या हो जाता एप्सिलॉन और डेल्टा बराबर हो जाते। तो ये भी किसको क्या ऐड करेगी एज एक्स टेंस टू जीरो। तो यहाँ मेरा एप्सिलॉन और डेल्टा बराबर आ गई यहाँ मेरा डेल्टा की वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स आ गई यहाँ पर आओगे एक्स क्यूब ऊपर तो क्या चेंज होगा एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब दिस इज अगेन एक्स क्यूब एक्स क्यूब इज लेस देन एप्सिलॉन एक्स माइनस जीरो इज एप्सिलॉन की पावर वन बाई थ्री। तो डेल्टा का काम जो मेरा करेगा एप्सिलॉन की पावर वन बाई थ्री इट मीन्स अगर मैंने यहाँ x की पावर n नो वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो एप्सिलॉन का काम करेगा डेल्टा की पावर तो मेरी ये जीरो हो जाएगी। अब मेरी n की वैल्यू जीरो हो जाएगी यानी कि मेरा सिर्फ साइन वन बाय एक्स बचे सिर्फ साइन वन बाय एक्स बचे वो हम क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन वन बाय एक्स और ये प्रूव करेंगे दिस लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन से निकालेंगे सपोज करेंगे पहले हमें लिमिट एग्जिस्ट कर दी है और फिर एग्जिस्ट कर दिया तो एक एप्सिलॉन की करस्पॉन्डिंग डेल्टा आएगा और वहां से भी हम कॉन्ट्राडिक्शन तो पहले हम दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो हमारे पास जो क्वेश्चन रिवर्स वाले किस तरह से करेंगे सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी उल्टा मान के चलेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन वन बाय एक्स एल आर एग्जिस्ट कर रही इट मीन्स फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हमारे डेफिनेशन की अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट साइन वन बाय एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस जीरो इज लेस देन इट मीन्स मेरी ये डेफिनेशन होल्ड करेगी हर एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक डेल्टा आएगा ही आएगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा सेटिस्फाई। तो अब हम एप्सिलॉन के ऊपर अभी जोर नहीं दे रहे लेट मैंने एप्सिलॉन लिख लिया ग्रेटर देन जीरो बी ए गिवन क्या लेना है क्या नहीं लेना जिसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन आएगी कॉन्ट्राडिक्शन हम तब लाएंगे जब मेरे किसी एक एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग डेल्टा जो है वो गलत आएगा तो वो किस एप्सिलॉन के लिए गलत आएगा वो हम बाद में देखेंगे जब हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अभी हम सिंपल यहां लिख सकते लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन दे एंड देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो कोई ना कोई आएगा डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट साइन वन बाय एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस जीरो इज लेस तो मैंने एक एप्सिलॉन चूज किया उसके कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा आएगा ही आएगा। तब हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ एक्स है तो मुझे पता है साइन टू एन पाई माइनस का पाई बाय टू और साइन टू एन पाई प्लस का पाई बाय टू मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगी दोनों क्वांटिटी साइन टू एन पाई माइनस का पाई बाय टू और साइन टू एन पाई दिस इज माइनस वन और ये जो बचेगा दिस इज प्लस वन। अब ये रेसिप्रोकल है साइन वन बाय एक्स तो अब हमें कॉन्ट्राडिक्शन लानी है लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी एनी टू नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स वन माइनस जीरो यानी मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन डेल्टा मॉडुलस ऑफ एक्स वन इज लेस देन डेल्टा मॉडुलस ऑफ एक्स टू कि हमारे पास कोई दो नंबर मैंने चूज कर लिए एनी टू नंबर जो हमारे पास डेल्टा से छोटे हैं लेकिन हमें पता है जब जब x लेस देन डेल्टा है तब तक उसकी इमेज किससे छोटी है माइनस एल से लेस देन एप्सिलॉन तो हमारे पास दैट मीन्स मेरे पास साइन वन बाय एक्स वन माइनस एल शुड बी लेस देन एप्सिलॉन एंड साइन वन बाय एक्स टू माइनस एल शुड बी लेस देन इट मीन्स अब हमारे पास साइन इन दोनों का डिफरेंस लेके चलते हैं साइन वन बाय एक्स टू का दिस इज इसी के अंदर ही एल ऐड किया एल सब्ट्रैक्ट कर दिया
मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू रिजोल्व इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस वन. तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज लेस देन साइन वन बाय एक्स वन माइनस एल प्लस एल माइनस साइन वन बाय एक्स. दिस इज किस क्वांटिटी से कम है, ये एप्सिलॉन से. ये किस क्वांटिटी से कम है, एप्सिलॉन से. दैट इज लेस क्या बचा, साइन वन बाय एक्स वन माइनस साइन वन बाय एक्स टू इज लेस देन टू एप्सिलॉन. अब हमने क्या करना है कि मेरा एक्स वन और एक्स टू ऐसे थे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और साइन का जो डिफरेंस है वो इस क्वांटिटी से कम आ गया. साइन का डिफरेंस अगर हम ऐसी कोई चूज कर लू कि ये जो क्वांटिटी है मेरी माइनस वन बन जाए, ये मेरी माइनस वन बन जाए, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी मेरी टू. एंड एप्सिलॉन को अगर मैं मान लू वन बाय फोर ले लू या वन बाय, तो ये क्वांटिटी टू आ रही है और ये क्वांटिटी टू से छोटी आ रही है. तो टू इज नेवर लेस देन ए नंबर विच इज लेस देन. तो एप्सिलॉन हम अपनी, मैंने कहा था एप्सिलॉन हम देखेंगे कि हमें क्या चूज करना चाहिए. तो अगर मैं ये क्वांटिटी को टू बना दू, यानी कि ये एक माइनस वन हो जाए और एक प्लस वन हो जाए, मॉडुलस करके वो टोटल हमारे पास टू हो जाएगा. तो हमारे पास ये नंबर जो है एप्सिलॉन को हमने अपनी मर्जी से ही चूज करना था, हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा आना ही आना. तो एप्सिलॉन की वैल्यू सपोज मैंने वन बाय फोर ले ली, तो ये साइड मेरी बनी क्या, बनी वन बाय टू, और ये साइड बनने वाली टू. क्या टू लेस देन वन बाय टू हो सकता है, ये साइड में टू बनाऊंगी यूजिंग दिस वैल्यूज, और ये साइड हम बनाएंगे दिस इज चूजिंग एप्सिलॉन वन बाय फोर, दिस क्वांटिटी इज वन बाय टू, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो अब हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम x1 और x2 को किस तरह से चूज करेंगे कि वो लेस देन डेल्टा भी हो और हमारे पास ये भी आ जाए. चूज x1, लेट n बी ए नेचुरल नंबर सच दैट, n एक ऐसा नेचुरल नंबर चूज कर लिया कि हमारे पास x1 टू n पाई प्लस पाई बाई और x2 टू n पाई माइनस का पाई बाई, क्योंकि 1 बाय x है तो अगर 1 बाय x करोगे तो 2n पाई प्लस का पाई बाय 2 बचेगा, और 1 बाय x2 करोगे तो 2n पाई माइनस का पाई. तो हमारे पास, तो हमारी शुरुआत कहां से हुई कि हमें माना कि l हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा. तो हमने मान लिया कि l लिमिट है और एक एप्सिलॉन हमने चूज कर लिया जिसके कोरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास किसी ना किसी एक एप्सिलॉन के लिए हम प्रूव निकालेंगे कि जो हमारा डेल्टा है वो हमारा जो एप्सिलॉन और इनकी हमारे पास ये जो कंडीशन है वो वैलिड नहीं हो रही है डेल्टा के लिए. तो अब लेट एन बी नेचुरल नंबर सच दैट, कि एन इतना बड़ा चूज कर लो कि मॉडुलस ऑफ एक्स वन जो है वो लेस देन डेल्टा चाहिए. तो इस क्वांटिटी ये एन जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे नंबर छोटा होता जाएगा. तो ये नंबर एन इतना लो, एन बी नेचुरल नंबर सच दैट कि x1 एंड x2 का जो मोड है वो लेस देन डेल्टा आ जाए, क्योंकि मेरा हमारे पास, इसलिए मैंने n के ऊपर जोर दिया कि हमारे पास जैसे जैसे n को बढ़ाते जाओगे ये नंबर छोटा होता जाएगा. अब ये इंटरवल हमारे पास माइनस डेल्टा टू डेल्टा है, डेल्टा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा वो हमें नहीं पता, लेकिन अब हमारे पास मैं कंडीशन लगा सकती हूँ कि n मैंने इतना बड़ा ले लिया कि ये जो क्वांटिटी है वन ओवर दिस दिस इज लेस देन डेल्टा एंड वन ओवर दिस दिस इज लेस. Let n be a natural number such that x1, x2 is less than delta. तो 1 by x1 कितना आ जाएगा 2n pi plus pi by 2. 1 by x2 कितना आ जाएगा 2n pi minus का pi by 2. This means क्या बचा मेरा, हमने क्या निकाला कि जब जब x1 mod less than delta है, x2 mod less than delta है, तब तब ये hold करेगा. It means sin 1 by x1 कितना आ जाएगा 2n pi plus का pi by 2, यानी कि 1. ये वन आ गया, फिर वन बाय एक्स टू साइन टू एंड पाई ये आ जाएगा माइनस वन, दिस इज लेस देन टू एप्सिलॉन, दैट मीन्स टू इज लेस देन टू एप्सिलॉन. बट इफ वी चूज, ऑलरेडी अगर हमने चूज किया होता एप्सिलॉन को वन बाय फोर, इफ वी हैव चूजन एप्सिलॉन इज वन बाय फोर देन वी गेट ऑब्वियसली ए कॉन्ट्राडिक्शन. तो हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन, तो हमारे पास जब भी हमें कॉन्ट्राडिक्शन क्वेश्चन करने हैं तो हमने एप्सिलॉन को शुरू में नहीं चूज करना, बाद में जाकर देखेंगे कि हमें किस एप्सिलॉन के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगी.
टू हम बाद में लिखेंगे कि वी चूज एप्साइलन इज इक्वल टू 1/4 देयर वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन देयर फॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कि मेरी लिमिट तो अभी हमने देखा कि मेरी साइन 1/x की तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लेकिन मैं जब x की पावर n से मल्टीप्लाई करती हूँ n ग्रेटर देन ये मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और डेल्टा का काम मेरा एप्सिलॉन की पावर 1/n नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स प्रूव करने जा रहे इफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट देन इट मस्ट बी यूनिक कि अगर मेरी लिमिट किसी भी एक्स ए को अप्रोच कर रहा है एफ एक्स एल को एग्जिस्ट कर रही है एल एग्जिस्ट कर रहा है देन इट मस्ट बी यू कि हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल वन हो एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एल टू हो देन एल वन मस्ट बी इक्वल टू एल लिमिट जो आएगी वो यू तो यूनिकनेस निकालने जा रहे हैं हमारे डेफिनेशन से हम निकालेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो भी गिवन मुझे एल वन और एल टू को इक्वल देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इन डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो सच दैट पहले मैंने ये डेफिनेशन लगाया फिर ये लगाएंगे देयरफॉर सच दैट एफ एक्स माइनस एल वन इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा सेम इसी तरह से इसके ऊपर देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू ग्रेटर देन जीरो एप्सिलॉन मैंने सेम ही लगा सच दैट एफ एक्स माइनस एल टू इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा कि जब जब एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन होगा तब तक उसकी इमेज लेस देन एप्सिलॉन होगी जब जब एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा टू होगा तब तक भी होगा इसका मतलब जब जब एक्स ए माइनस डेल्टा वन ए प्लस डेल्टा वन के बीच में है तब तक उसकी इमेज जो होगी वो एल वन माइनस एप्सिलॉन और एल वन प्लस एप्सिलॉन के बीच में जब जब एक्स ए माइनस डेल्टा टू और ए प्लस डेल्टा टू के बीच में है तब तक उसकी इमेज क्या होगी एल टू प्लस एप्सिलॉन और एल टू माइनस एप्सिलॉन के एल टू माइनस एप्सिलॉन और एल टू प्लस एप्सिलॉन के बीच में अब हमने क्या किया ये दोनों नेबरहुड ऑफ ए ये भी नेबरहुड ऑफ ए है ये भी नेबरहुड ऑफ ए तो कोई ना कोई बड़ा छोटा होगा हो सकता है कि टू वाला छोटा हो कोई ना कोई बड़ा छोटा होगा जो होगा वो हमें नहीं पता कि डेल्टा वन छोटा होने वाला है या डेल्टा टू छोटा होने वाला है तो हमने क्या क्या मिनिमम ले लिया जो भी इन दोनों में से छोटा होगा अब यहां से क्या मिला मुझे कि जब जब एक्स इस इंटरवल के अंदर है ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा वन के अंदर है तो उसकी इमेज इसके अंदर है तो जब जब एक्स ए माइनस डेल्टा वन और ए प्लस डेल्टा वन के बीच में है तो एक्स इस पोर्शन को भी कवर करता है कि जब एक्स इस बड़े वाले रेंज के अंदर है तब तक उसकी इमेज इसके अंदर है इसका मतलब जब एक्स इसके अंदर है तब तक भी उसकी इमेज इसके अंदर है तब हम क्या करेंगे इट मीन्स फॉर मिनिमम वैल्यू छोटी वाली वैल्यू के लिए जब जब एक्स इसके बीच में छोटे वाले इंटरवल के बीच में है तब तक उसकी इमेज यहां पर भी है और तब तक उसकी इमेज यहां पर भी है देयरफॉर एफ एक्स माइनस एल वन इज लेस देन एप्सिलॉन एंड आल्सो एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एल टू इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा छोटे वाले के अंदर जब जब छोटे वाले के अंदर है छोटा कोई भी है हमारे पास बड़े वाले के अंदर है जितने भी पॉइंट है उनकी इमेजेस इसके अंदर है इसका मतलब ये वाले पॉइंट भी कवर हो रहे हैं तो इस हमारे पास जब जब एक्स इसके अंदर है तब तब भी उसकी इमेज इसके अंदर तो हमारे पास क्या आया दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी कि एफ एक्स जो है वो एल वन माइनस एप्सिलॉन एल वन प्लस एप्सिलॉन के बीच में भी है एल टू माइनस एप्सिलॉन एल टू प्लस एप्सिलॉन के बीच में भी है जब जब एक्स मेरा इसके बीच में एक्स माइनस डेल्टा और ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच तो आप कंसिडर एल वन माइनस एल बीच में ही मैंने एफ एक्स एड किया एफ एक्स वेयर लेट एक्स पहले चूज कर लिया लेट एक्स बी एनी पॉइंट किसके बीच में ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच
इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स है, तो एक पॉइंट चूज कर लिया। अब जब जब एक्स इसके बीच में है तब तक मेरे जो दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होती है। अब मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। मॉडुलस में एफ एक्स माइनस एल वन लिखू, एल वन माइनस एफ एक्स लिखू, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक्स मैंने किसके अंदर से चूज कर रहा है, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच में, ये भी होल्ड कर रहे हैं और ये भी होल्ड कर रहे हैं। इट इज लेस देन एप्सिलॉन, इट इज अगेन लेस देन एप्सिलॉन, क्या बचा मेरा एल वन माइनस एल टू इज लेस देन टू एप्सिलॉन। अब साइलेंट मैंने कुछ भी चूज किया और डेल्टा मेरा एक आया था डिपेंड नहीं करता, अब साइलेंट में वन वन चूज करूं तो भी मेरी कंडीशन होल्ड करेगी, ये कंडीशन इंडिपेंडेंट फ्रॉम डेल्टा। अब साइलेंट में दिस होल्ड्स फॉर एवरी एप्सिलॉन फ्रीक्वेंसी, कि हर एप्सिलॉन के एप्सिलॉन में वन बाय फोर चूज करूं तब भी आ जाएगा, एप्सिलॉन में वन बाय टू चूज करूं तब भी यही आएगा, एप्सिलॉन वाली वन बाय सिक्स चूज करूं तब भी यही आने वाला है। तो हमारे पास फॉर एवरी एप्सिलॉन ये क्वांटिटी होल्ड करेगा, और ये क्वांटिटी हमें पता है जिस मॉडुलस है तो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। अगर मैं एप्सिलॉन को जीरो को टेंड कर लेटिंग एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो, छोटा 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 करके हम जीरो को टेंड करते रहे, दैट मीन्स ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स जीरो और जीरो के बीच में भी क्वांटिटी जीरो ही होगी, इट मीन्स एल वन माइनस एल टू इज जीरो, एल वन यहां से मेरे पास दोनों लिमिट्स बराबर आ गई। दैट मीन्स अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो जीरो। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं स्क्विजी प्रिंसिपल। इफ स्क्विजी प्रिंसिपल के स्टेटमेंट, इफ एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स लाइन बिटवीन माइनस डेल और दिस इज मोर लेस ग्रेटर देन जीरो, तो एंड साथ में लिमिट x tends to a fx is equal to limit x tends to a hx is equal to l, then limit x tends to a gx is equal to, ये स्क्विजी प्रिंसिपल। स्क्विजी का मतलब ही हमारे पास स्क्वीज हो रहे दो फंक्शन के बीच में gx, सैंडविच भी बोल देते हैं कि एक fx और hx के बीच में gx स्क्वीज हो रहे, gx सैंडविच की तरह रखा। तो हमारे पास पहले तो डेफिनेशन क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि हमारे पास जी एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो एफ और एच के बीच में फॉर एवरी पॉइंट ऑफ लाइंग इन दिस इंटरवल, तो इनकी जी एक्स वन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एच एक्स वन, एफ एक्स वन से बड़ा, जी एक्स टू भी एच एक्स टू से छोटा, एफ एक्स टू से बड़ा, इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर फॉर एवरी एक्स, और ये दोनों सेम लिमिट को टेंड कर रहे हैं। वेन एवर एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, वेन एवर एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स, बोथ टेंड्स टू एल, तो बीच वाला जो फंक्शन है वो भी उसी लिमिट को टेंड कर, एक्सट्रीम पोजीशन वाले जो फंक्शन है वो मेरे अगर एल को टेंड कर रहे हैं, मैंने अगर एक्सटेंड्स टू ए तो मेरा जो बीच वाला है सेंट बीच वाला वो भी किसको टेंड कर रहे हैं, एल को। तो सिंपल सा प्रूफ है दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो भी गिवन, देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन जीरो, इसके ऊपर लगाएंगे हम डेफिनेशन एफ एक्स सच दैट एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, और यहां ग्रेटर देन जीरो जरूर लिख दिया करो जब जब हम लिमिट की बात करें। सेम तरह से एंड देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू ग्रेटर देन जीरो सच दैट एच एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर कि जब जब एक डेल्टा वन आएगा एफ एक्स के लिए, एक डेल्टा टू आएगा एच एक्स के लिए, हमने क्या निकाला है जी एक्स की लिमिट एल निकाली। तो लेट फिर से दी कि डेल्टा मैंने ले लिया मिनिमम ऑफ डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, तो जब जब एक्स ए माइनस डेल्टा वन और ए प्लस डेल्टा वन के बीच में ये होल्ड कर रहे हैं, ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा टू के लिए ये होल्ड कर रहे हैं, तो मिनिमम के लिए जो छोटे वाला इंटरवल बनेगा वो दोनों का कॉमन पोर्शन है, तो दोनों के लिए ये दोनों क्वांटिटी होल्ड करें, दिस मीन्स मिनिमम के लिए एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन एंड एच एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन।
whenever for all x x minus 8 मिनिमम वाले के लिए, मिनिमम वाले के लिए दोनों कंडीशन को खोलें। नेक्स्ट अब हम इन दोनों क्वांटिटी को अगर खोलें तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स इज लेस देन एल प्लस एप्साइलन ग्रेटर देन एल माइनस एप्साइलन एंड एच एक्स इज लेस देन एल प्लस एप्साइलन ग्रेटर देन एल माइनस एप्साइलन फॉर ऑल एक्स मिनिमम वाले के लिए फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। अब इसको जो हम स्क्वीजी के हमारे पास चीज दे रखी है उसको देखिए, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स कि जब जब ये हमारे पास हो तो तब ये होल्ड कर रहे फॉर एवर, यहां दे रखा था फॉर एवरी डेल्टा कोई भी डेल्टा, और यहां जो हमारा डेल्टा है स्टेटमेंट में ही फॉर एवरी डेल्टा गिवन होगा, तो यानी कि हमारे पास क्विजी ये होल्ड कर रहा है फॉर एवरी डेल्टा, तो जो हमारा जो मिनिमम आया है उसके लिए भी होल्ड कर रहा है। एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स, एच एक्स फिर से किससे कम है, एल प्लस एप्साइलन से, और एफ एक्स किससे बड़ा है, एल माइनस एप्साइलन। तो हमने इसकी ये वाली साइड ली, इसकी ये वाली साइड ली, और ये हमने पूरी साइड ली, तीनों को मिला के लिखा, तीन इनइक्वालिटीज थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एल माइनस एप्साइलन इज ऑलवेज लेस देन एफ एक्स, एफ एक्स इज फर्दर लेस देन जी एक्स, जी एक्स इज फर्दर लेस देन एच एक्स, एच एक्स इज फर्दर लेस देन एल प्लस एप्साइलन, दैट मीन्स जी एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है, एल प्लस एप्साइलन एल माइनस एप्साइलन के बीच में, कब कब, जब जब मेरे पास ये होल्ड कर, ये किसकी डेफिनेशन है, इट मीन्स जी एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्साइलन वेन एवर एक्स माइनस ए इज लेस देन, तो प्लीज जी एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, ये डेफिनेशन किसकी है, जी एक्स अप्रोच टू एल एंड एक्स टेंड्स टू, उसको इसी प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं कि अगर मेरी एक्सट्रीम वाली लिमिट एल को अप्रोच कर रही है मेरी बीच वाली लिमिट थी, बीच वाले फंक्शन की लिमिट भी किसको अप्रोच करेगी, एल को अप्रोच। तो आज के लिए इतना ही होते हैं, नेक्स्ट टाइम।